नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, मानसून आ चुका है और बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है, और बारिश के दौरान गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमको ड्राइव करना होता है, स्पेशली जब हम हाईवे पर या फिर हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना होने के बहुत चांसेस होते हैं बारिश के दौरान, क्योंकि बारिश के दौरान विजिबिलिटी भी ठीक नहीं मिलती और गाड़ी की जो रोड पर पकड़ होती है दोस्तों वो भी कम होती है, क्योंकि स्लिपरी सरफेस होने के कारण गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी हाई स्पीड में और अचानक हमको सडनली ब्रेक लगाना है तो गाड़ी स्केट करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, हमारी गाड़ी में दिया गया एक सेफ्टी फीचर ट्रक्शन कंट्रोल के बारे में होने वाला है। आपको पता होगा कि आजकल सभी गाड़ियों में ट्रक्शन कंट्रोल दिया जा रहा है, और अगर आप यहाँ देखेंगे उसका जो साइन होता है या फिर स्विच होता है कुछ इस तरह का होता है, तो हमारी गाड़ी में भी दिया गया है। अब दोस्तों, आपका एक सवाल आया है कि ये जो ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम है दोस्तों, इसको हमको हमेशा चालू रहने देना है, इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, और क्या बारिश के दौरान दोस्तों इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। और कुछ लोगों को ये जानकारी ही नहीं है, जैसे कि जो बिगनर हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम गाड़ी ली है उनको बस इतना पता है कि ये एक स्विच दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्विच होता है दोस्तों, ये केवल ट्रक्शन कंट्रोल का नहीं होता, यानी कि इसका काम एक और है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। वो काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जैसे आप इस स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है, देखिए जैसे कि मैंने कुछ सेकंड दबा के रखा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये साइन आ गया ऑफ का, हमने ऑफ कर दिया, और जैसे ही मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये गायब हो गया। तो जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक ऑन ही हो जाता है, मतलब कि हमेशा ये ऑन होता है। ये एक सेफ्टी फीचर है। अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि लोग इसको केवल ट्रक्शन कंट्रोल से जोड़ के देख रहे हैं, तो केवल दोस्तों ये ट्रक्शन कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको कुछ पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप ओनर मैनुअल देखेंगे ब्रेजा का या अपनी गाड़ी का, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है। अब ये जो फीचर होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, स्पेशली जो स्लिपरी सरफेस होता है या बारिश के दौरान जब रोड गीली होती हैं तब ये सेफ्टी फीचर बहुत ही ज़्यादा आपकी गाड़ी के लिए या फिर आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, आपकी गाड़ी हाईवे पे स्पीड में जा रही है, 80-90 की स्पीड में आप चल रहे हो, और अचानक से मान लीजिए आपको गाड़ी मोड़ना पड़ रही है किसी कारणवश, मान लीजिए कोई जानवर गाड़ी के सामने आ रहा है तो आपने एकदम से स्टेयरिंग को इस तरफ घुमाया, तो ये क्या करता है दोस्तों, जब आप इस तरफ स्टेयरिंग को घुमाएंगे ना तो होता क्या है, गाड़ी आपकी इस तरफ स्केट करके जा सकती है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो आपके राइट साइड के व्हील हैं उनमें ऑटोमेटिक ब्रेक लेगा, जिससे क्या होगा राइट साइड के व्हील लॉक होंगे, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बैलेंस है दोस्तों इधर जाने की बजाय वापस इस तरफ आ जाएगा, यानी कि गाड़ी को ये स्टेबल करने का काम करता है। तो कभी भी आपको दोस्तों ये जो सिस्टम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ट्रक्शन कंट्रोल, इसको बारिश के दौरान बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर हम ट्रक्शन कंट्रोल का स्विच ऑन रखेंगे तो गाड़ी माइलेज कम देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए तब आपको ट्रक्शन कंट्रोल को बंद रखना होता है। एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा, ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, तो कुछ गाड़ियों में दोस्तों केवल ट्रक्शन कंट्रोल का ही स्विच होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं आता। जैसे ब्रेजा में दोस्तों बीच में CNG में ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को हटा दिया था, लेकिन अब वापस से CNG में भी आपको ESP सिस्टम मिलता है। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है, बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, स्पेशली जब आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो ये बहुत काम आता है, और स्लिपरी सरफेस या स्लिपरी रोड पर ये आपकी गाड़ी को सेव करता है, आपको सेव करता है, अनकंट्रोल होने से बचाता है। तो हमेशा दोस्तों इसको आपको ऑन रखना है, इससे माइलेज का कोई लेना देना भी नहीं है, और ये एक तरह से आपकी सेफ्टी का काम करता है। तो ये एक जानकारी थी इस स्विच के बारे में, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।